जी, एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हर कोई स्टार जो इसके बारे में बात कर, लाइक तनु सिंह करता है, नाना पाटेकर जी के बारे में, आप जब सुनती हैं क्या हुआ है? मतलब तनु सिंह का कहना है कि नाना पाटेकर जी मी टू का शिकार, या फिर नाना पाटेकर जी सेट पर अपने एक्टर को एक, अच्छा तो आप जब सुनती हैं तो क्या टेक होता है आपका? एक्चुअली आप मुझे अभी बता रहे हैं तो मुझे पता चला है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। किसके बारे में हुआ ये? नाना पाटेकर एंड तनु सिंह दत्ता, लाइक सेट पर नाना पाटेकर बहुत ही मारते हैं अपने एक्टर। ओह माय गॉड, इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत है। बाकी आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रीड अबाउट इट, शायद मैंने मिस कर दिया हो, देन ओनली आई कैन गिव अ टेक ऑन इट। बट अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आई थिंक वर्क प्लेस एक ऐसी जगह होती है काम को आप पूछते हैं, और जहाँ पर जिस चीज़ को आप पूछते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली एक ऐसा डेकोरम होना चाहिए कि हर कोई कंफर्टेबल फील करे। तो वो तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, आई कम्प्लीटली बिलीव इन इट। बिग बॉस को कितना फॉलो करती हैं? बहुत फॉलो करती हूँ, हर दिन देखती हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने लास्ट टाइम भी आपको देखा था HT स्टाइल अवार्ड, यहाँ पे क्या कुछ फीलिंग होती है जब पीपल्स आपको स्टाइलिश हिना कह के बुलाती हैं? अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जब किसी चीज़ की तरफ हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है जब वो आपकी मेहनत अप्रिशिएट होती है। और मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था मेरे शो के बाद कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँ, लोगों को एक अलग नज़रिया दूँ अपने आप को देखने का, और आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उसमें सक्सेसफुल हुई हूँ, क्योंकि तभी मेरे पास आज ये है और ऐसे कई अवार्ड्स हैं जो मुझे स्टाइल के लिए मिले। तो आई थैंक देम एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए। अब जैसा तैसा भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो उसके लिए काफ़ी अवार्ड्स से मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है, एंड नाउ विद दिस स्टाइल यू ऑल हैव अप्रिशिएटेड मी, सो आई विल कीप अप द गुड वर्क। और जैसे कि मैंने अंदर भी कहा कि ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपको हर टाइम कुछ अलग करना है, नया करना है, ताकि आपको लोग प्यार करते रहें, सराते रहें, अप्रिशिएट करते रहें। स्टाइल स्टेटमेंट क्या होता है आपका? लाइक समथिंग यू आर कंफर्टेबल इन, आई थिंक दैट इज़ व्हाट स्टाइल इज़ ऑल अबाउट। स्टाइल होता है जिसमें आप अच्छे भी दिखें, और सबसे ज़्यादा स्टाइल जो है मेरे लिए है कम्फर्ट। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए जो आप पहन रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कभी भी उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उस आउटफिट को जो जितने ग्रेसफुली प्रेजेंट करना चाहिए शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आपके ब्यूटीफुल अटायर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, जस्ट अ सिंपल कुर्ता एंड प्लाजोज एंड एंटीक ज्वेलरी, नथिंग मच आई हैव डन। बहुत ही सिंपल रखा है बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लुक एलिगेंट टुडे। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.